तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले सारेगामा इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 2 रुपए 40 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आने और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है, 1 महीने में 5.5%, 3 महीने में 6%, 6 महीने में 18% और 1 साल के अंदर 22% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 425 रुपीज। 425 रुपीज के इस स्टॉक में हाई बॉटम देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर एक गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 280 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 390 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, परंतु शॉर्ट टर्म में देखें तो स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिली है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं। अगर ये स्टॉक 280 रुपीज के नीचे गिरता है तो इस स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।